हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पीक नॉलेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम लोग सब्जेक्टिव यानी हिस्ट्री के मॉडल पेपर सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव यानी दोनों को आज कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, चलिए तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन नंबर एक से। वीडियो पर क्या है आप देख पा रहे आप लोग, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना। तो भारत किस वर्ष गणतंत्र बना आप लोगों को शायद पता होगा, तो अगर कमेंट बॉक्स में उसका जो है जवाब दे सकते हैं। तो राइट आंसर की बात करें, थोड़ा सा स्किप करके दिखा देते हैं आप लोग को, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1950 राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो स्क्रीन पर आ चुकी है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देख पा रहे आप लोग अच्छी तरीके से। तो क्या है, मौर्यकालीन राज्य स्थित था, तो किस राज्य में स्थित था। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो देख लेते हैं, यानी अभी जो वर्तमान में दक्षिण उड़ीसा में स्थित था, ठीक है। राइट आंसर वर्तमान में दक्षिण उड़ीसा में है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो दूसरा नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं और देख भी पा रहे आप लोग। तो क्या है, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। तो अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी आप लोग को पता भी होगा शायद, तो किस में, 13वें अभिलेख में मिलता है कलिंग विजय का उल्लेख, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं पूरी तरीके से चौथा नंबर क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख पा रहे आप लोग। क्या है, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की थी, तो किसने की थी, तो देख लेते हैं आंसर। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर जॉन मार्शल और किसने किया था, सर विलियम जॉन्स ने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुकी है पाँचवा नंबर क्वेश्चन, देख पा रहे आप लोग अच्छी तरीके से। तो क्या है पाँचवा नंबर क्वेश्चन, कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है। तो कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है, राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, राइट आंसर सरस्वती हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो स्क्रीन पे आ चुकी है और देख भी पा रहे आप लोग। तो क्या है क्वेश्चन नंबर, 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था, तो कौन था वो पहला व्यक्ति जो 1857 में पहले विद्रोह हुआ था, शहीद हुआ था। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी मंगल पांडे राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, छठा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है और देख भी पाएंगे आप लोग। तो क्या है सातवां नंबर क्वेश्चन है, अलबेरूनी भारत किस शताब्दी में आया। तो अलबेरूनी किस शताब्दी में भारत आया, तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी 10वीं शताब्दी में आया था, राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो स्क्रीन पर आ चुकी है, देख पाएंगे आप लोग। तो क्या है, फ्रांसवा बर्नियर था, तो कौन था। तो राइट आंसर की बात करेंगे थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, तो क्या था वो, इतिहासकार था, दार्शनिक था और चिकित्सक था, ठीक है। राइट आंसर ये तीनों हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं स्क्रीन पे, देख पा रहे आप लोग, 10 नंबर क्वेश्चन है, खुद्दक निकाय का संबंध है, खुद्दक निकाय का संबंध किससे है। तो राइट आंसर की बात थोड़ा सा स्क्रीन पे आ चुकी है और देख पा रहे आप लोग, क्या है, सुतपीठक, सुतपीठक राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं, देख पा रहे आप लोग। अगर ये PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं, तो इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाकर आप इसको देख सकते हैं, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों दिया हुआ है। चलिए तो 11 नंबर कर लेते हैं, क्या है, निम्नलिखित में कौन सा जैन साहित्य है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लेते हैं, तो आ चुकी है माध्यमिक सूत्र का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो स्क्रीन पे आ चुकी है और देख भी पा रहे होंगे आप लोग। तो क्या है क्वेश्चन, कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर परित्याग किया था। तो कितने वर्ष में, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 30 वर्ष में किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं पूरी तरीके से, देख पा रहे होंगे आप लोग। क्या है 13 नंबर क्वेश्चन, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला था। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो आ चुके हैं स्क्रीन पे और देख भी पा रहे होंगे आप लोग, एरन में मिला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं स्क्रीन पे और देख भी पा रहे होंगे आप लोग। तो क्या है, क्षेत्रीय शब्द का साहित्य अर्थ है, क्षेत्रीय शब्द का साहित्य अर्थ क्या है। तो राइट आंसर की बात करेंगे थोड़ा सा स्क्रीन पे, तो आ चुके हैं पूरी तरीके से, यानी क्षेत्रीय राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना राइट आंसर हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं, देख पा रहे आप लोग। क्या है, प्राचीन भारत में महाकाव्य का नाम है, तो किसका नाम है, कौन सा नाम है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो महाकाव्य किसको कहा जाता था, नहीं महाभारत को महाकाव्य कहा जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो स्क्रीन पर आ चुके हैं और देख भी पा रहे आप लोग। तो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन, सम्राट अशोक के अभिलेख अधिकांश किस लिपि में है। तो राइट आंसर की बात करेंगे थोड़ा सा स्किप करके देख लेते हैं, तो आ चुके हैं ब्रह्मी लिपि में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं और देख भी पा रहे आप लोग। क्या है, प्रसिद्ध अभिलेख प्रयाग परिस्थिति को किस शासक ने उत्कीर्ण करवाया।
तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी समुद्रगुप्त ने उत्कीर्ण करवाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं स्क्रीन पे और देख भी पा रहे होंगे आप लोग। तो क्या है क्वेश्चन, मगध साम्राज्य का आरंभिक राजधानी थी, तो कहाँ थी मैंने शुरू शुरू में, तो राजगृह राइट आंसर हो जाएगा, राजगृह राइट आंसर राजगृह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप लोग। वीडियो अगर इस तरह का अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना, इसी तरह के वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। तो 19 नंबर है, सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो राइट आंसर की बात थोड़ा सा स्किप करके देख लेते हैं, तो स्क्रीन पे आ चुके हैं और देख पा रहे होंगे जेम्स प्रिंसेप राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सबसे पहले इसी ने पढ़ा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं और देख भी पा रहे होंगे आप लोग, तो आ चुकी है 20 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रसिद्ध स्थल लोथल किस में अवस्थित है, किस राज्य में अवस्थित है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी गुजरात में अवस्थित है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, काफ़ी VVI क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम किस स्तर की खुदाई की गई थी, तो 21 नंबर का राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी हड़प्पा की खुदाई की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो स्क्रीन पे आ चुके हैं और देख पा रहे आप लोग, 22 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन की घोषणा जॉन मार्शल ने किस वर्ष की थी, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आप देख पा रहे क्या है, 1921 राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो स्क्रीन पे आ चुके हैं और देख भी पा रहे आप लोग, तो क्या है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी सच्चिदानंद सिन्हा राइट आंसर हो जाएगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो स्क्रीन पे आ चुके हैं और देख भी पा रहे आप लोग, जालियांवाला बाग का हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो स्क्रीन पे आ चुके हैं और देख भी पा रहे आप लोग, क्वेश्चन क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ किस वर्ष हुआ था, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 1939 ईस्वी में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग, क्रिप्स मिशन भारत आया, तो कब आया क्रिप्स मिशन भारत, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 1942 राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो स्क्रीन पे आ चुके हैं 27 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे आप लोग, क्या है, मध्य पूर्व घटनाओं को तिथि क्रम में सजाएं, तो क्या कहता है इसका, रॉलेट एक्ट राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो स्क्रीन पे आ चुकी है देख पा रहे आप लोग, क्या है, बिहार में नील आंदोलन की बागडोर महात्मा गांधी ने किस वर्ष संभाली थी, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या जाएगा, 1917 राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो स्क्रीन पे आ चुकी है और देख भी पा रहे आप लोग, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता वीर कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी जगदीशपुर के जमींदार थे, राइट आंसर जगदीशपुर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं स्क्रीन पे देख पा रहे आप लोग, तो क्या है, 1857 के विद्रोह का नेता अखिल भारतीय स्तर किसे माना जाता है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी बहादुर शाह जफर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो स्क्रीन पे आ चुके हैं और देख भी पा रहे आप लोग, तो क्या है, किस भू राजस्व व्यवस्था के सरकार ने भूमि का मालिकाना हक किसानों को दिया, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, रैयत वाड़ी राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो स्क्रीन पे आ चुके हैं और देख भी पा रहे आप लोग, भारत में सूफी मत का कौन सा सिलसिला लोकप्रिय है, सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी चिश्ती जो है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो स्क्रीन पे आ चुके हैं और थोड़ा सा जूम आउट कर लेते, तो आज के स्क्रीन पे देख पा रहे आप लोग आंसर भी और सवाल भी, प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्रा अब्दुल रज्जाक का भारत यात्रा के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा अगर exampaper2020.blogspot.com पे जाएं, वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप लोग, मूर्ति निर्माण की गंगाधर शैली का विकास किस वंश काल में हुआ, यानी किस काल में हुआ था, तो राइट आंसर की कुषाण काल में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, स्क्रीन पे आ चुकी है देख पा रहे होंगे आप लोग, 35 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल अमरावती किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर के बाद थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, तो आंध्र प्रदेश में अभी ये स्थित है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो स्क्रीन पे आ चुके हैं और देख पा रहे होंगे आप लोग, 37 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के पूर्व अफवाहों फैल रही थी, कौन सी अफवाहें सही थी, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सी, यानी चार्बी वाला कारतूसों का जो
शुअर और गाय की चर्बी जो है इसमें मेन मुद्दा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके 37 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे आप लोग। किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्रियाकलापों से है? तो पांचवी रिपोर्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा पांचवी रिपोर्ट से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुकी है देख पा रहे आप लोग। तो क्या है, फ्रांसीसी बुकानन के वितरणों की तुलना इतिहास के किस स्कूल में की गई? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी एनाल्स स्कूल में की गई थी, राइट आंसर एनाल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं स्क्रीन पे, और थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं क्योंकि दिखाई नहीं पड़ता होगा आप लोगों को। तो आ चुके हैं स्क्रीन पे, क्या है, अब्दुल रजाक समरकंद इन नामक यात्री ने किनके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और प्रणाली? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी इब्न बतूता, इब्न बतूता राइट आंसर, यानी इब्न बतूता और अलबेरूनी का पढ़ा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है, और देख पा रहे हैं आप लोग अच्छी तरीके से दोनों क्वेश्चन को देख लीजिए अंतिम क्वेश्चन को। रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? तो जी एम लिबिदेव राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और सवाल जवाब हम लोग देख लिए 40 क्वेश्चन को। अगर आप चाहते हैं कि इसका सब्जेक्टिव भी, तो देखिए सब्जेक्टिव भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। तो इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF डाउनलोड करके इसको आप पढ़ सकते हैं। तो PDF कैसे डाउनलोड करना है मैंने आप लोगों को बता दिया, जैसे पर यहाँ लिखा हुआ है देख पा रहे आप लोग, क्या है, एग्जाम पेपर 2020 ब्लॉग पोस्ट .com, यानी इसको सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा ये PDF। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।